कल मैं फोगट के घर पे भी गया था, बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं, वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं ना, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है, प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है, अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मैसेज बहुत है कि दिल्ली आने वाली जिहड़ियां पंजाब दी गड्डियां ने उन्हें तंग किया जाता, पर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MCD ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। कई पार्टियां इसका विरोध कर रही है कि ऐसा जबरदस्ती किया जा रहा है, जानबूझकर अरेस्ट करने के लिए, संपत्ति हड़पने के लिए, आपका क्या स्टैंड आम आदमी पार्टी का? इसमें मैं क्या कहूंगा, शेख हसीना से पूछ लीजिए। कल मैं फोगट के घर पे भी गया था, बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं, वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं ना, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है, प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है, अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मैसेज बहुत है कि दिल्ली आने वाली जिहड़ियां पंजाब दी गड्डियां ने उन्हें तंग किया जाता, पर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MCD ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ,
ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕਰ ਹਰੇਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਸੰਪਤੀ ਹੜਪਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਮੇ? ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸੇ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ।